स्वागत है एक बार फिर से डेली फोकस न्यूज में। और यहाँ पर हम बात करने वाले हैं अनन्या पांडे को लेकर। जी हाँ, एक्टर चंकी पांडे की लाडली अनन्या पांडे जितनी खूबसूरत है उतनी ही अच्छी एक्ट्रेस भी है। फिल्मी परिवार से संबंध रखने की वजह से उनके अधिकतर करीबी दोस्त फिल्म इंडस्ट्री से ही हैं। शाहरुख खान की बेटी सुहाना खान से उनकी अच्छी बनती है। अक्सर अनन्या को किंग खान के दोनों बेटे आर्यन खान और अबराम खान के साथ समय बिताते देखा गया है। दरअसल अनन्या शाहरुख खान की फैमिली के इतने करीब है, उन्होंने एक बार उन्हें सेकेंड डैड कहा था। साल 2019 में उन्होंने शाहरुख खान के साथ अपनी बॉन्डिंग के बारे में बताया था। एसआरके मेरे दूसरे डैड की तरह है, उन्होंने ये कहा था। वो मेरे सबसे अच्छे दोस्त के डैड हैं। हम साथ में आईपीएल मैच देखने जाया करते थे। साथ ही उन्होंने कहा था, केवल सुहाना और सनाया ही इंडस्ट्री के सबसे करीबी दोस्त हैं और हम सब कुछ शेयर करते हैं। आपको बता दें कि सनाया अभिनेता संजय कपूर की बेटी है और वो भी जल्द ही फिल्मों में कदम रखने वाली है। फिल्म फेयर की एक खबर के मुताबिक स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 के प्रमोशन के दौरान अनन्या ने खुलासा करते हुए कहा था, हमने साथ में बहुत कुछ अजीब अजीब चीजें की है। शाहरुख सर हमेशा हमारा हौसला बढ़ाते थे और हमारे साथ फोटो शूट करते थे। वो हमारा वीडियो बनाते थे और हमें एहसास करवाते थे कि हम अच्छे एक्टर्स हैं। फिर वे सबको दिखाते थे और कहते थे कि देखो इन लोगों ने क्या किया है। बेहद कम समय में ही अनन्या ने बॉलीवुड में अपनी जगह बना ली है। उन्होंने एक इंटरव्यू में कार्तिक आर्यन को अपना क्रश बताया था। कार्तिक के साथ उनकी फिल्म पति पत्नी और वो आई थी। बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने अच्छी कमाई की थी। इस फिल्म में भूमि पेडनेकर भी थी। यह फिल्म संजीव कुमार की साल 1978 में आई फिल्म पति पत्नी और वो का रीमेक थी। साथ ही अनन्या ने ईशान खट्टर के साथ फिल्म खाली पीली भी की है। हालांकि यह फिल्म उतनी नहीं चली जितनी उन्हें उम्मीद थी। तो इस तरह से बॉलीवुड स्टार किड्स फंसते नजर आ रहे हैं। और इस तरह से अनन्या पांडे ने बताया कि शाहरुख खान को वो अपना सेकंड डैड मानती है, यानी कि वो उनके दूसरे पिता हैं। आप लोग क्या कहना चाहेंगे अनन्या के इस जवाब पर, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं।